इसको थोड़ा सा चेक कर दो ताकि आज के डेट के बाद में आंसर दे लग के पहुंच गया। हाँ चलो करवा दें आंसर कल से। चलो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चला रहे थे तब जो है पिछला क्लास में हमने कहा था अब जो है पिछले क्लास में जो हमने बताया था याद होगा हमने अल्फा लिया था लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम ये हमने प्रूव किया था यह हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था। दूसरा हमने जो पढ़ाया था वो याद होगा हमने एसिटिक एसिड लिया था जिसका के लिया था सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा अल्फा वेरी वेरी लेस देन वन अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड। ये अब जो है इसमें जरा गौर करके देख लो तो के बराबर सी अल्फा स्क्वायर ये हमारा जो है के बराबर सी अल्फा स्क्वायर का। अब जो है जरा गौर करके देख लो इसको। दूसरा एक टर्म आता है ये टर्म आता है कि कोलराउच लॉ ये कोलराउच लॉ में जरा ध्यान से देखो। पहला सवाल हम लेंगे कि अगर हम ए बी कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लें और अगर ये टूटा है और सॉल्यूशन तो होता क्या है ये टूटा ए प्लस बी माइनस ये हमारा कैटायन ये हमारा एनायन तो ये रूल कहता है कि एज इनफाइनाइट डायमेंशन इनफाइनाइट डायमेंशन पर जो है ये जो हमारा लिमिटिंग
मोरल कंडक्टिविटी है वो इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एन यानी लैम्डा नॉट एन एबी जो होगा लैम्डा नॉट एम ए प्लस लैम्डा नॉट डी एम बी माइनस यही तो परिणाम है यानी इसका मतलब ये हमारा कैटायंस है और ये हमारा एनायंस है ये अब जो है जरा गौर करके देख लो पहला कि अब जो है इससे एक फायदा होगा कि मान लो ये जो यही रूल है अब मान के चलो क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे पास जरा गौर करके देख लो क्वेश्चन है सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन ए वे टू डिटरमाइन एम कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं ऑफ वाटर अब क्या करोगे अब इसको इस पर पहला चुनाव लागू करना अब जरा गौर करके देखो अप्लाई कोलराज इसमें होता क्या है जरा गौर करके देख लो लगता है अगर वाटर टूटेगा तो वह टूटेगा तो कैसे टूटेगा एच प्लस ओ एच माइनस अर्थात लैम्डा एम अगर वाटर निकालना होगा तो लैम्डा एम एच प्लस ले लो और लैम्डा एम ओ एच माइनस ये ले सकते हो अब ये यदि लोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देखना तो जरा गौर करके देखो अगर हम विनो एसिड प्लस बेस सॉल्ट ऑफ वाटर अर्थात मान लिया अगर एचसीएल हो एमएओएच हो तो NaCl होगा वाटर होगा इट मीन्स वाटर जो है इज इक्वल टू होगा HCl प्लस NaOH माइनस NaCl ये अर्थात लंबा है वाटर निकालना होगा तो लैम्डा एम HCl लोगे लैम्डा एम NaOH लोगे माइनस लैम्डा एम क्या हो जाएगा इसका मतलब माइनस लैम्डा एम NaCl आराम से ले सकते ये जो है कभी भी अब जो है तुमको ये क्वेश्चन आराम से निकल गया
का निकल गया। दूसरा क्वेश्चन में आएगा द मोलर कंटेंट की गिनती ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 एम मिथेनोइक एसिड, ये मिथेनोइक एसिड है जिसका फॉर्मूला है C=H होता है H 46.1 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट अल्फा एम के ये निकालना गिवन दिया हुआ है, लैम्डा एम एच प्लस दिया हुआ है, लैम्डा एम एच प्लस दिया हुआ है 349.6 एस सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। लैम्डा एम जो है एच सी डबल ओ निगेटिव होगा 54.6 एस सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। अब एक बार देखो इससे तुमको क्या हो सकता है, इसका यदि सॉल्यूशन तैयार करोगे तो लैम्डा एम एस सी डबल ओ एच जो होगा वो लैम्डा एम एच प्लस प्लस लैम्डा एम एस सी डबल ओ निगेटिव। ये जो तुम्हारा है 349.6 प्लस 54.6 ये तुम्हारा निकल गया 404.2 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इससे अल्फा निकाल सकते हो, लैम्डा एम जो है ये दिया हुआ है गिवन में 46.1 बाय लैम्डा एम नॉट, ये 46.m है बाय 404.2 तो ये हो जाएगा 0.114। अब जो है जरा गौर करके देख लो इसमें, तो तुमको के ए निकालना है, इसका के ए निकालोगे अगर तुम नहीं भी रखोगे तो 1 अल्फा ले सकते हो। ये जो है सी तो तुम्हारा 0.115 × 0.114 का स्क्वायर बाय 1 − 0.114। ये थोड़ा सा ऊपर ये आया और इसका जो वैल्यू होगा 3.67 × 10⁻⁴ ये हो गया इसका वैल्यू। तो इस ढंग से तुमने इसका आराम से निकाल दिया
तब जो है तुमने देखा कि जब कहीं भी तुम इसको निकालोगे तो आराम से इसका वैल्यू तुम निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो है जरा गौर करके देख लो इसको। अब जो है इसमें हम समझते हैं कि कहीं कोई परेशानी नहीं, आराम से बन गया। तो अब जो है इसमें किसी को कोई परेशानी है तो बता सकते हो। किसी को कोई परेशानी नहीं। अब जो है अब एक क्वेश्चन अगर रहेगा थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर ये थोड़ा सा इस रूप में देते हैं और देखो समझ के तुमको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन गिवन लैम्डा एन एन ए ए सी, ये एक्स हो, लैम्डा एन एस सी एल इसका वैल्यू वाई हो, लैम्डा एन एन ए सी एल इसका वैल्यू जेड हो। मान लिया दिया हुआ है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एन एच ए सी क्या होगा। लैम्डा एन एच ए सी क्या हो सकता है तुम्हें निकालना है। अब तुम देख लो क्या करोगे। तुम गौर करके देख लो इसमें क्या कर सकते हो। ये कुछ नहीं करना, ये एक है दो है तीन है एच और ए सी, तो लैम्डा एन एच ए सी जो है ये एक और दो को जोड़ दो तो एच सी एल बढ़ जाए। और कैसे, एच ए सी चाहिए एन एल सी एल उसमें से थ्री माइनस कर दो एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये तुम्हारा हुआ। अब जो है अब रफ में एक टर्म होता है, हमने कहा था 1 फराडे 94,400
87 कूलम, लगभग 96,500 कूलम, और E जो होता है इक्विवेलेंट वेट, ये जो इक्विवेलेंट वेट खासकर कॉपर एटॉमिक वेट बाय बैलेंसिंग (63.5/2) (31.75) जगन अगर हो 65/2 (32.5) कैल्शियम हो 40/2 (20) इक्विवेलेंट वेट जगन के बाद अल्मोनियम 27/3 (9) वैलेंसी को हम N लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट निकल 58.7/2 (29.35) ये हमारा और एक होता है Z इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट ये होगा और Z बराबर होता है E by F इसका जोड़ना पड़ेगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस से भी लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में केमिकल जो है क्यू जो है इसमें रिएक्शन ड्यू टू करंट होगा और इसमें एक टर्म आता है Q इक्वल टू R इनटू T ये हमारा कूलम में होगा ये हमारा एम्पियर में इनटू सेकंड में ये हमारा अब जो है तुमको परादेश साहब जो है उन्होंने दो रूल दिया था परादेश लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन्होंने दो रूल दिया फर्स्ट रूल जो है फर्स्ट लॉ डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू जहां डब्ल्यू जो होगा अमाउंट ऑफ ये जो डब्ल्यू है इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन डब्ल्यू होगा सब्सटेंस डिपोजिटेड ये डब्ल्यू है सो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इनटू क्यू दैट इज E by F into R into T ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ अब जैसे गौर करके देखो 10 एम्पियर ऑफ करेंट इज पास
into methyl nitrate solution for 20 minutes. Find the amount of methyl deposited. Find the amount of nickel deposited. ये कहता है निकालने के लिए गौर करके देख लो तुम आज तो दिया हुआ है 10 एम्पियर टाइम 20 मिनट दैट इज 20 इंटू 60 1200 सेकेंड W बराबर E by L into R into T E जो है हमारा निकल 29.35 by 96,500 into 10 into 1200 इतना बड़ा है ये हमारा फर्स्ट लॉ है अब हमारा आता है सेकेंड लॉ सेकेंड लॉ कहता है अगर सेम करंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से पास करे तो सब्सटेंस भी डिफरेंट होगा जमा होगा यानी कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज It pass through different electrolytes. Different electrolytes. So W is directly proportional to E होगा. अर्थात electrolyte first. और इलेक्ट्रोलाइट सेकेंड हो तो डब्ल्यू वन ई वन डब्ल्यू टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू अब जो है सो डब्ल्यू वन बराबर के ई वन डब्ल्यू टू बराबर के ई टू इसलिए W1 by W2 E1 by E2 ये फॉर्मूला तुम्हारा सेकेंड लॉ से निकल गया मतलब ये जो है इसमें क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि जरा गौर करके देख लो मान लो सपोज करो कि एक फैराडे करंट पास कर रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से और सेम पास कर रहा है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से तो एक बात तो तय हो गया कि जरा गौर करके देख लो इसका मतलब ये हो गया इसका इक्विवेलेंट रेट कॉपर का 31.75 ग्राम होगा और जगन का जो होगा 32.5 ग्राम ये इसका मतलब ये हुआ एक फैराडे हमेशा इक्विवेलेंट वेट के बराबर जमा होगा इट मींस नोट में एक फैराडे डिपोजिट ई ग्राम ये तुमको कंपलसरी याद रखना पड़ेगा ये मतलब ये जो है ये तुम्हारा इस ढंग से आपको
प्रॉब्लम तो बता सकते हो। अब इसमें तुम्हारा तो एपीआर भी कम होते हो, कैसे तुम कम से कम प्लस टू वाले को तो एपीआर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम एपीआर नहीं होगे क्लास में तो तुम्हारे लिए नुकसान फाइनल एग्जामिनेशन में होता है। निश्चित रूप से परेशानी ज्यादा है तुम्हारे लापरवाही, तुम पर भारी पड़ जाएगा एग्जामिनेशन, ये तो तय है। इसलिए हम बार बार तुमको कहते गए कि थोड़ा सा क्लास में पियर रहो, क्या तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान तुम्हें इसका अंदाजा नहीं कि तुम इतने झेलते हो, इतने ज्यादा परेशानी तुम्हें होगा, तुम्हें पता ही नहीं है ये मेरा क्या है। ये अब अंदाजा लगाओ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारा समाप्त हुआ है और तुम एपीआर ही नहीं हो, है तो देखो। अब तुम्हारा क्लास ये टॉपिक समाप्त, कल हम नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ाएंगे, ठीक है।